Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. Hey guys, Dr. Devendra Adur here. Welcome to Modern Health and Nutrition. और आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में. क्या वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है? क्या वेट लॉस करना हमें ज़रूरी होता है? क्या हेल्दी वेट होता है और किस तरह से हमें इसे मेंटेन रखना है? ठीक है, इनिशियली जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, ऑन दैट टाइम मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर हम देखें तो 25% पेशेंट्स आर स्टिल रिलेटेड फ्रॉम वेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड जोड़ों का दर्द जो होता है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास रहते थे. तो ऑन दैट टाइम आई सजेस्ट देम कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा. तब से मतलब लगभग मुझे 5 या 6 साल हो गए तब से मैंने अपना वेट लॉस सेंटर स्टार्ट किया. ऑन दैट टाइम वो एक पूरा एक डेडिकेटेड है फॉर वेट लॉस, मतलब वेट लॉस और वेट लॉस प्रोग्राम्स वहाँ पर इनिशिएट कराए जाते हैं. ठीक है, तो ऑन दैट टाइम्स मतलब जब से मैंने उस समय से जब से पेशेंट्स देखे तो पूरा नेचुरली हम वेट लॉस किस तरीके से हम कम कर सकते हैं अगर आप फॉलो करते हैं. इनिशियली अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपका जो वेट है, अगर आपका वेट अगर 100 किलो है तो 10% ऑफ वेट बहुत फास्टली कम होता है, लेकिन फिर बाद वाला जो वेट होता है वो धीरे 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 कट डाउन होता है. ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब हम वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं फिर उस कारण से वेट कम होता है. कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने एक ही दिन में 1 किलो कम किया, 2 दिन में 2 किलो कम किया, और नेट पर इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी कि 30 दिन में अपना वेट 10 किलो कम करें, 30 दिन में अपना वेट 15 किलो कम करें, क्या 7 दिन में वेट लॉस हो सकता है? तो साइंटिफिकली अगर देखें तो ये प्रूवन नहीं है और इस तरह की भ्रांतियाँ ना फैलाएं. ठीक है, इस तरह के वीडियोस आप ना देखें क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आज बिल्कुल सही जानकारी साइंटिफिक के साथ जो साइंस के साथ जो रहती है वो बेसिकली वो जानकारी मैं आपको दूंगा. 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप अगर यूज़ करें तो आप इजीली अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली दीज थिंग्स. कोई मेडिकेशन नहीं है. मेडिकेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो, होम्योपैथिक में मेडिकेशन है, अलग अलग तरह की अलग अलग मेडिकेशन है. फाइटोलका बेरी बहुत कॉमन मिलने वाली मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि वेट लॉस वाले पेशेंट्स जनरली यूज़ करते हैं. तो सबसे पहली चीज़, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अगर चैनल पर नए हो और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर, आपका पिसा हुआ आटा, मैदा, आप जितना भी अगर आप शुगरी ड्रिंक्स लेते हो वो. ठीक है, अगर हम बात करें जितने भी तरह के फास्ट फूड होते हैं, ब्रेड, ये सब चीज़ें जो होती हैं स्पेशली वाइट कलर की चीज़ें अगर हम देखें, राइस, चावल, शक्कर, ठीक है, ये सब चीज़ें रिफाइंड कार्ब्स होते हैं या फिर कहें तो सिंपल कार्ब्स होते हैं. इन्हें अपनी डाइट में कम से कम करना है. मैं आपको कोई ऐसी फास्टिंग नहीं बताऊंगा या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा कि आपको कुछ मतलब खाना छोड़ना पड़े. मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छा खाकर भी अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं. ठीक है, तो रिफाइंड कार्ब्स क्या साइंस होता है इसके पीछे. रिफाइंड कार्ब्स आपकी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाकर आपका लीवर जो होता है वो एंजाइम्स बनाता है. एंजाइम्स बनने के साथ जो शुगर हमारे शरीर को नीडफुल रहती है वो एब्जॉर्ब करता है और जो बाकी की शुगर होती है वो फैट डिपोजिशन में चली जाती है या फिर अदर ऑर्गन्स में चली जाती है. वहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर रिटेंशन बढ़ता है शुगर एंड सॉल्ट से और आपका वेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है. ठीक है, सिंपल कार्ब्स ये आप बंद कर दीजिए. ठीक है, तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट नेट पे सर्च करेंगे आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वो आप अपनी डाइट में बिल्कुल भी ना लें. अगर आप बात करेंगे शक्कर ही ना लें तो क्या होगा. शक्कर अगर आप नहीं लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रोटी की जो शक्कर की रिक्वायरमेंट होती है वो होल डे आपको कंप्लीट कर देती है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आप स्टार्ट करें प्रोटीन, अच्छा फैट और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आप प्रोटीन के लिए आप अच्छी दालें, आप अंडा, आप चिकन ले सकते हो. ठीक है, रेड मीट नहीं लेना है, जो लीन फिश जो रहता है मीट वो आप ले सकते हो. ठीक है, बीन्स ले सकते हो, दालें ले सकते हो, सभी तरह की दालें और चना. ठीक है, ये प्रोटीन सोर्स हो गए. फैट, गुड फैट ऑफ अमाउंट हमें दही में मिलेगा, अच्छा अमाउंट,
दही में अगर आप लें, लेकिन दही भी आप अगर यूज़ कर रहे हो तो मलाई निकले वाले दूध का आप दही जमा कर आप यूज़ करें। अच्छा फैट हमें जितनी भी नट्स होती हैं उसमें मिलेगा, ब्रोकलीज में मिलेगा और एवोकेडो, इन सब चीज़ों में अच्छा फैट मिलता है। ठीक है, फिश वगैरह में भी हमें अच्छा फैट मिलता है। नेक्स्ट थिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जितने भी ग्रेन होते हैं, होल ग्रेन फूड। ठीक है, आप रोटी खाते हो, रोटी आप मिस्सी रोटी खाएं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हम वही वाली रोटी खाएं। रोटी के साथ हमारा कार्ब और फाइबर जो रहता है, प्रोटीन फाइबर भी हमें ऐड करना है। फाइबर कहाँ से मिलेगा? रॉ वेजिटेबल्स। ठीक है, वहाँ से हमें अच्छा फाइबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हो गई हैं कि ये हमें डाइट में यूज़ करना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे बहुत सारे लोग हेट करते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करें, आप सिर्फ अपने हेडफोन पहने और एटलीस्ट 30 मिनट्स की आपको सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। अब मैं आपको बताऊंगा डाइट पैटर्न आपको किस तरह रखना है। डाइट पैटर्न का पोर्शन अगर हम देखें तो ब्रेकफास्ट का पोर्शन ये होना चाहिए, लंच का पोर्शन ये होना चाहिए और डिनर का पोर्शन ये होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपको हैवी लेना है, जिसके अंदर अच्छी प्रोटीन्स हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, ऑट्स हो। ठीक है, वो आप लें। दिन की डाइट में आप दाल लें, रोटी लें, सब्जी लें और दही लें, और शाम में आप फ्रूट्स और ये सब चीज़ें लें। बीच में अगर आपको क्रैविंग होती है तो कोई भी आपका मनपसंद फ्रूट ले सकते हैं, एक्सेप्ट बनाना पपीता को छोड़ के, जो कि काफ़ी मीठे फल होते हैं। ठीक है, तो उनको आप छोड़ के ये सब तरह के फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ये तीन चीज़ें फॉलो करो, डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, और जय हिंद।